रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन जहां कमजोर होता जा रहा है, वहीं रूस एक के बाद एक यूक्रेन द्वारा छुड़ाए गए शहरों और गांवों पर दोबारा कब्जा करता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन की मदद करने और उसके लिए समर्थन जुटाने की खातिर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य रूस को जीत से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरी हुआ तो यूक्रेन की जमीन पर सेना की तैनाती भी की जाएगी। ये अलग बात है कि मैक्रों के सुझाव को अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन सहित कुछ अन्य देशों ने तुरंत ही खारिज कर दिया था। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मैक्रों की उस टिप्पणी का उल्लेख करते हुए परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली है। उन्होंने पश्चिमी देशों को आगाह किया कि यूक्रेन में सेना भेजने से परमाणु युद्ध का खतरा हो सकता है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों को यह एहसास होना चाहिए कि हमारे पास भी ऐसी क्षमता और हथियार है जो उनके क्षेत्र और लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। पुतिन ने रूस के व्यापक रूप से आधुनिक परमाणु शस्त्रागार की प्रशंसा की और दावा किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है। पुतिन ने यह भी कहा कि नई पीढ़ी के हाइपरसोनिक परमाणु हथियार या तो तैनात कर दिए गए हैं या विकास और परीक्षण के अंतिम चरण में है। अन्य सैन्य हथियारों को लेकर पुतिन ने कहा कि हाइपरसोनिक डैगर एयरक्राफ्ट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और विशेष सैन्य अभियान के दौरान महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हिट करने के लिए उच्च दक्षता के साथ इसका उपयोग किया जा रहा है। पुतिन के मुताबिक अंतर महाद्वीपीय रेंज अवनगार्ड और लेजर सिस्टम पेरेस्वेट की हाइपरसोनिक यूनिट्स भी युद्ध ड्यूटी पर तैनात है। इनके अलावा अनलिमिटेड रेंज वाली क्रूज मिसाइल ब्यूरवेस्ट्रिक के परीक्षणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पानी के नीचे काम करने वाले मानव रहित वाहन पेसिडॉन के अलावा बड़े पैमाने पर तैयार की गई सरमत हैवी बैलिस्टिक मिसाइल सैनिकों को सौंप दी गई है। पुतिन ने यह भी दोहराया कि पश्चिम रूस को कमजोर करने में लगा हुआ है और उन्होंने रूस यूक्रेन मामले में पश्चिमी नेताओं के हस्तक्षेप को रूस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। पुतिन ने अपने संबोधन में पश्चिमी नेताओं को चेतावनी देते हुए जर्मनी के एडोल्फ हिटलर और फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ऐतिहासिक शख्सियतों के परिणामों पर विचार करने को कहा, क्योंकि ये दोनों ही अतीत में रूस पर आक्रमण करने के अपने प्रयासों में विफल रहे थे।